हाँ यहाँ पे जो है वैसे तो भगवान और माँ बाप से सब सब कुछ मांगता है इंसान, लेकिन ये है कि महर्षि मार्कंडेय जी में जो निसंतान है वो तो संतान की कामना के लिए विशेष रूप से आते हैं। अच्छा, चर्म रोग ठीक होते हैं जो पानी मैंने आपको दिखाया, और पहले जो शैम्पूज के थोड़े पाउच पड़े हैं और साबुन के बाहर वाले रैपर पड़े हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सुनील ठाकुर और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, और पिछले कुछ दिनों से आप देखते आ रहे हैं मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के कुछ फेमस जगह, जैसे मंदिर हो गया, कोई टूरिस्ट स्पॉट हो गया, या हिल स्टेशन हो गया, या फूड स्पॉट हो गया दोस्तों, जहाँ जैसे ढाबा हो गया, होटल हो गया, और इन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आज मैं एक नई जगह महर्षि मार्कंडेय जी के मंदिर में जा रहा हूँ और इस मंदिर को मैं एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों, तो आप इस ब्लॉग में देखेंगे। तो इस मंदिर तक आप कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं और क्या इस मंदिर की मान्यता है, ये सब कुछ इस ब्लॉग में आप देखेंगे। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये मंदिर लोकेटेड है बीपीओ मार्कंडेय और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से इस मंदिर की दूरी दोस्तों 20 किलोमीटर, और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो पानी है दोस्तों वो हॉली वाटर है, उससे नहाने से जो बड़े ज़्यादा डिजीज से फ़र्क भी मिलता है, और बहुत सारे लोग दोस्तों जिनके निसंतान होते, जिनके बच्चे नहीं होते, वो यहाँ नहाते हैं और मन्नत करते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसा कुछ माना जाता है। और चार धाम की यात्रा जिन बुजुर्गों ने की होती है, तो अगर यहाँ ना नहाए तो चार धाम को अधूरा माना जाता है, ऐसी कुछ मान्यता है दोस्तों। और यहाँ की कहानी के बारे में मैं मंदिर जब मैं पहुँच चुका हूँ तो मैं आपको बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जो भी टूरिस्ट स्पॉट है या जो फेमस लोकेशन को दिखाने की, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि आपने शेयर जरूर करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं और ऐसी उनकी मान्यता है, या बड़ा कुछ उनको देखने को सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है दोस्तों। दोस्तों घागस से मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, और घागस से मार्कंडेय महर्षि मार्कंडेय टेम्पल की दूरी रह जाती है जस्ट 10 किलोमीटर। और यहां से टैक्सी वगैरह भी अवेलेबल है, बाय बस भी आप जा सकते हैं। टैक्सीज का चार्ज मैंने यहां से पूछा तो टैक्सी का चार्ज बता रहे हैं 450 रुपये, 450 रुपीज अगर आपको छोड़ना है, अगर लाना और छोड़ना दोनों है तो 800 रुपये के तकरीबन आपको पड़ेगा। और आप बाय बस भी जा सकते हैं दोस्तों। और घागस एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आप मनाली के लिए जा सकते हैं, और कुल्लू के लिए जा सकते हैं, लेह लद्दाख के लिए जा सकते हैं, कंद्रौर के लिए जा सकते हैं, शिमला के लिए जा सकते हैं। ये रोड जाता है शिमला के लिए, और यहाँ से शिमला की दूरी है तकरीबन 86 किलोमीटर। सारे तीर्थ बार बार, मार्कंडेय तीर्थ एक बार, मतलब चार धाम जब संपन्न हो जाती है, चार धाम जब करके आते हो तो उसके बाद मार्कंडेय धाम में अगर आप स्नान करते हो तभी उसको संपन्न माना जाता है, ऐसा इस साइन बोर्ड में लिखा है। तो ये चलते हैं दोस्तों, ये वाला रहेगा रूट। अगर जे बस आती है जे किसी आना ना मार्कंडेय, हाँ हाँ अच्छा, अच्छा पैदल जा सका है ना, सवेरे जाने बच्चा बस, सवेरे के ने शाम ही है ना, शाम अच्छा 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 सवेरे और शाम दे, हां हां मेले बैसाखी च लगाए थी, हां बैसाखी च, अच्छा 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 अच्छा।
श्री मार्कंडे के अलावा यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे दुर्गा माता का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, शिव जी महाराज जी का मंदिर है, और मार्कंडे महर्षि का तो मंदिर है ही है यहाँ। और यहाँ पानी भी दो जगह से आता है, जैसे मैं लोकल से बात हो रही थी तो यहाँ एक पानी है दोस्तों जो अलग बावड़ी से आता है और उसको यूज़ करते हैं, जैसे जिसको खारिश निकली हो या कोई चर्म रोग हो तो वो वहाँ नहा सकता है। और एक नॉर्मल पानी है जहाँ मतलब वो भी पवित्र, दोनों पानी पवित्र दोस्तों, पर अलग अलग यूज हैं उसके। और यहाँ से मैं पुजारी से मैं बात करूँगा, बाकी यहाँ रहने के लिए ये बता रहे हैं कि ये टूरिज्म वालों का है ये, बट ये अभी चालू नहीं हुआ है। और अगर किसी ने रुकना हो तो आप यहाँ सराय वगैरह में रुक सकते हैं, बाकी मैं प्रॉपर यहाँ से यहाँ पुजारी से पूछूंगा कि क्या कैसे रुक सकते हैं यहाँ। और आने के लिए आप या तो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं बाय घाघर से, या अगर आपने बस से आना है तो जो कि जगह बाय बस आना है तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा। बन रखे स्नान घर, यहाँ लेडीज़ के लिए अलग स्नान घर बन रखे और जेंट्स के लिए अलग बन रखे। और जब भी यहाँ आप स्नान करते हैं तो यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जैसे यहाँ लिख रखा है गंदे वस्त्र ना फेंकें। और यहाँ नहाने के बाद फिर दर्शन करेंगे हम महर्षि जी के। जब भी आप महर्षि मार्कंडेय आते हैं दोस्तों तो अपना तौलिया जरूर लेके आए, स्नान का पवित्र जल है और बड़े रोग दोष दूर होते हैं स्नान करके। सभी लोग स्नान करें दोस्तों, उसके बाद टेकेंगे माथा फिर। जब भी आप यहाँ स्नान करते हैं दोस्तों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप कपड़े अपने साथ लाते हैं उनको अपने साथ ले जाएं, गंदे कपड़े ना फेंकें, जैसे कोई मैं देख पा रहा साबुन के टिक्कियों के बाहर वगैरह पर फेंक रखें। तो ऐसी पवित्र जगह जब भी आते हैं तो इसकी पवित्रता का आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। एक और मान्यता है यहाँ के पानी के बारे में दोस्तों कि जब भी तो लड़की या लड़के की शादी होती है तो सबसे पहले यहाँ स्नान कराते हैं, क्योंकि इस जल को बड़ा पवित्र माना गया है। महर्षि मार्कंडेय जी का मंदिर है। अच्छा। और ये तीर्थ के रूप में ज्यादा किया। अच्छा। ठीक है। महर्षि मार्कंडेय जी इस स्थान पर जहाँ ये बैठे हुए यहाँ पे चिरंजीव हुए थे। अच्छा। इसलिए स्थान का महत्व। अच्छा। सनातन धर्म के अनुसार जो 8 चिरंजीव भी हुए उनमें से मार्कंडेय जी भी एक चिरंजीव थे। अच्छा। ठीक है। तो मार्कंडेय जी यहाँ स्थान पे चिरंजीव हुए थे इसलिए स्थान का महत्व है। जब महर्षि मार्कंडेय जी को भोलेनाथ जी ने चिरंजीव किया था तो क्या कहा था? अच्छा। एक तो मैं मार्कंडेय को चिरंजीव करता हूँ, दूसरे जिस स्थान पर बैठकर मार्कंडेय जी ने भक्ति की। हाँ। वहाँ से जलधारा निकली कि गंगा के समान होगी चिरंजीव रे भी। अच्छा। तभी जो नीचे जल का प्रकटे जो हुआ है। हाँ। वो चिरंजीव ही थे, वो मृकंडू। अच्छा। मृकंडू और माता का नमनोस्तनी देवी। अच्छा। दोनों निसंतान थे। अच्छा। तो उन्होंने हट करके संतान मांगी थी विष्णु जी से। विष्णु जी ने कहा था कि संतान तो होगी। हाँ। लेकिन 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन भगवान ऋषि मार्कंडेय को जो पता लगा कि मैं अल्पायु हूँ दीर्घायु नहीं हो सकता। हाँ। तो भोलेनाथ की शरण में यहाँ तक जो है तो वो महामृत्युंजय का जाप करते हुए यहाँ बैठ जाते हैं इस स्थान पे जहाँ बैठे। अच्छा। जहाँ ये मूर्ति है वो बता रहे पंडित जी सिर्फ यही उनकी बोल सकते मूल स्थान मार्कंडेय जी का ही। अच्छा, तो लेने नहीं है चिरंजीव वो जो हर युग में जो जीवित रहेंगे वो चिरंजीव हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन दर्शन किसी भाग्यशाली को ही होते लेकिन। अच्छा। हर युग में जीवित रहेंगे वो चिरंजीव। अच्छा। तो इस स्थान पे चिरंजीव हुए थे। तो महामृत्युंजय का मंत्र जो है मार्कंडेय जी ने सिद्ध कर दिया था कि सतयुग में सिद्ध कर दिया था कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वो बड़ी से बड़ी आई बला को टाल सकता है। अच्छा। और साइंस हमारी अब कलयुग में आकर बोल रही है। हाँ। जिस मंत्र को मार्कंडेय जी ने सतयुग में आकर सिद्ध कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म के अनुसार ये ज्येष्ठ तीर्थ के रूप में विख्यात है। अच्छा। चार धाम करके जितने भी यात्री आते हैं तो अंत स्नान करना ही आवश्यक समझते हैं क्योंकि ये तीर्थ चिरंजीव है। हाँ जी। ताकि हमें पूर्णतया फल प्राप्त हो सके। अच्छा। ठीक है। चार धाम करके जो भी आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं फिर जाके जी। और पंडित जैसे मैंने नहाने के लिए मतलब यहाँ कुंड भी देखे काफी ना कुंड तो मतलब पानी जो नहा रहे हैं लोग इसकी क्या विशेष वो है इसके ऊपर मानता है? इसकी मानता स्नान के लिए जैसे गंगा जी में हम स्नान का वहाँ विशेष महत्व है तो मार्कंडेय जी में भी जो स्नान का विशेष महत्व है। अच्छा जी। चर्म रोग वगैरह भी ठीक होते हैं निसंतान जो? हाँ। यहाँ पे जो वैसे तो भगवान और माँ बाप से सब कुछ मांगता है इंसान। लेकिन ये है कि महर्षि मार्कंडेय जी में जो निसंतान है वो संतान की कामना के लिए विशेष रूप से आते हैं। अच्छा। और जिस किसी की कन्या ही है वो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से। ठीक है जी। और बैसाखी के टाइम यहाँ से मेला लगता है उसमें। अच्छा। उसमें मेला लगता है पूरे सालाना। वैसे यहाँ पे जैसे आपका शनिवार है या आपका रविवार है अमावस्या है
पूर्णिमा है, संक्रांति है, अच्छा, तब तो हमेशा रश रहता है। जैसे और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जितने भी लोग चार धाम करके आते हैं, यात्रा करके आते हैं, अच्छा, वो सभी हमेशा यहाँ स्नान करते हैं। तो सबसे विशेष बात बताइए आपने, और लड़कियां जिनकी शादी होनी होती है, वो भी स्नान करते हैं पहले, शादी से पहले जो है तो यहाँ पे वो स्नान एक बार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है पंडित जी, यहाँ का एड्रेस मेरे को बता दो आप, ये बीपीओ मारकंड में आता है? जी, बीपीओ मारकंड जिला बिलासपुर, तहसील सदर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ठीक है पंडित जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद, जय माता दी। ठीक, एक पानी उस साइड है जहाँ लोग नहाते हैं, और एक पानी दूसरी वाली साइड है दोस्तों, इस वाली साइड, तो सामने आप देख पा रहे हैं इस वाली साइड, और वो पानी है चर्म रोग के लिए। जैसे किसी को कोई चर्म रोग से विशेष कोई बीमारी होती है तो वो वहाँ नहा सकता है और पानी ले भी जा सकता है। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस पवित्र स्थल पर आते हो, इस पवित्र भूमि पर आते हो, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप नहाओ, यहाँ फोटो खींचो, जो कुछ करो, पर यहाँ गंदगी ना फैलाओ। दोस्तों मैंने देखा कि जहाँ लोग नहाते हैं वहाँ उनके जो अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, या फिर शैम्पूज के थोड़े पाउच पड़े हैं, और साबुन के बाहर वाले रैपर पड़े हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। अगर ऐसी पवित्र जगह आते हो तो उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारे और आपके हाथ में। दोस्तों लोग यहाँ के बड़े जेन्युइन हैं, आप लोगों से बात करोगे, पूछोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बट यहाँ आप भी जब किसी मंदिर में आते हैं तो आप भी इतना सहयोग तो जरूर कीजिए कि वहाँ की सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब लोग, अगर 500 लोगों में से 100 लोग ऐसे ही गंदे रैपर फेंक के चले जाते हैं तो दोस्तों कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उस चीज़ को आप उठा के किसी डस्टबिन में डाल दिया करो जब भी आप यहाँ आते हो, और हिस्ट्री आपको पता लगी। बाकी मैं यहाँ का नंबर डाल दूंगा दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं और रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठहराया भी जाएगा और खाना भी दिया जाएगा, जैसा मुझे पंडित जी से मैंने बात की। तो यज्ञ के लिए बन रखी है, मतलब यहाँ यज्ञ करा सकते हैं। और मेरे साथ सामने पंडित जी, क्या नाम हो तुम्हारा? नवदीप शर्मा, श्री नवदीप शर्मा जी। तो पंडित जी यहाँ क्या क्या मतलब लोग करवाते हैं, या क्या क्या करवा सकते हैं? मतलब हवन, यज्ञ, जप पाठ वगैरह। अच्छा, सारे ही। और शादी वगैरह भी कराते हैं? शादी भी होती है, मुंडन संस्कार होते हैं। अच्छा, अच्छा। योग भी तो होता है। अच्छा, धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य हो यहाँ होते हैं, मतलब मारकंडे महर्षि के इसमें, मतलब। और पूरी व्यवस्था है जी यहाँ के लिए, मतलब बुकिंग होती है कि? बुकिंग नहीं, जैसे किसी ने बताया होगा ना। अच्छा अच्छा, किसी का ग्रह खराब होना है, उसे नहीं करवाना। अच्छा अच्छा, और पंडित अपने होते हैं कि यहाँ मिल जाते हैं पंडित जी? आपने जैसे अपने कुल प्रवित होते हैं, हाँ? वो भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ से करने हो तो? फिर से करने हो तो आप अपना नंबर बता दो। हाँ जी, हाँ, नंबर बता दो आप अपना। 92-94-994। अच्छा ठीक है, जो भी कर्म कांड का जो भी मतलब करते हैं वो आप लोग कर लेते हैं, मतलब। जी, जी। अच्छा, बात करके अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद ना जी। ठीक, ये पानी विशेष रूप से दोस्तों चर्म रोग के लिए बताया गया है कि इससे चर्म रोग ठीक होते हैं, जो पानी मैंने आपको दिखाया। और पहले यहाँ पीछे बोलते बावड़ी है, तो वहाँ भी लोग स्नान कर लेते थे, अब वो बावड़ी बंद कर दी गई है। तो ये इस पानी को आप घर ले आ सकते हैं और यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, स्नान घर पर रखा है। ये देखो, ऐसी सभी मैंने विशेष बातें जो इस मंदिर से रिलेटेड है मैंने आपको बता दी। दोस्तों आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हो, बाई बस अपने व्हीकल से पहुँच सकते हो, कहाँ रह सकते हो, ये सारी बातें मैंने आपको इस ब्लॉग के थ्रू आपको दिखा दी और बता दी। तो आपने इस ब्लॉग को शेयर जरूर करना है, और हो सके तो आप जरूर इस मंदिर में आ सकते हैं, यहाँ माथा टेक सकते हैं, नहा सकते हैं, ये सब कुछ, और ठहर भी सकते हैं। और मेरे को यहाँ एक जानने वाली आंटी मिली है, आंटी का नाम है श्रीमती सुनीता जी, और इनके सिस्टर हैं पर, है ना? तो तुम्हारे घर रहती है आंटी, है ना? कन्या है घर, और बड़ा भीड़ भाड़ का, तो बस इस चीज के लिए आप लोगों को तो बड़ी दूर जाना पड़ता है। नहीं नहीं, बस यार, और डेली एक ही बस आती है कि दो बसें? नहीं, एक ही आती है। अच्छा अच्छा, नहीं दो आती है ना, एक शिमला से आती है ना, सुबह 6 बजे आती है, शाम को 8 बजे। अच्छा, सोने गल करने ठीक लग गया, ध्यान रखें अपना ना। जानने वाले आंटी है दोस्तों अपने, और ठीक है जी, तुम्हें मिले तो मतलब मार्कंडे महर्षि ने मिला दिया, मतलब है ना? ठीक है, ध्यान रखें अपना। ठीक है, हाँ ठीक है जी। दोस्तों नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या क्या नाम है आपके? आपका क्या नाम है? सौरभ शर्मा। ऋषभ ठाकुर, इसका क्या नाम है? क्रिश ठाकुर। आज संडे है ना, नहाते हैं यहाँ, नहाते डेली ना है, कौन कौन वरना ही है, नंद लग रही है। चलो ठीक है, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय। मेरे को ये छोटा सा बच्चा मिला है और मेरे को पूछ रहा है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते, तो मेरा भी उसमें ब्लॉग में मेरे को भी लो, है ना? क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है इसका। सौरभ जी आप ब्लॉग में आ चुके हो, क्या बोलना चाहते हो आप व्यूअर को? कुछ नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ क्लास में। चलो ठीक है, ठीक ढंग से करना पढ़ाई, है ना? ठीक है, ओके। ये तो पहले मिला था भाई मेरे को ना, मतलब इसके दोस्त है, इन्होंने बताया कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो बनाता है बंदा, तो ये आ गया फिर बोलने के लिए ना। ठीक है सौरभ, देखना फिर, है ना?
ठीक है ओके दोस्तों, अब लेते हैं आपसे अलविदा। आई होप आपको मेरे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और इस ब्लॉग से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। बाकी इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके जरूर पूछना और मुझे जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और दिन। तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय हिंद।